राधे राधे फ्रेंड्स, कान्हा जी दरबार में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मैंने 2 नंबर के कान्हा जी की ये ड्रेस बनाई है। ये देखिए कि मैंने कितने अच्छे से ये मैंने येलो कलर के ये पेटल्स बनाए हैं और मैंने पिंक कलर के ये पेटल्स बनाए हैं। ये देखिए, आप चाहे इसमें 2 कलर यूज़ करें चाहे 1 कलर यूज़ करें, आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकती हैं, कोई भी वूल इसमें यूज़ कर सकती हैं। ये हर साइज़ में बड़े आराम से बन जाती है। ये मैंने 2 नंबर में बनाई है। आप चाहे 5 से 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, कोई भी साइज़ में इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ये 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 नंबर की चोली ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ये देख सकती हैं। चोली 2 नंबर की है ये। चलिए शुरू करते हैं घेरा बनाना। अब मैं ये तीसरी चेन में मैं इसे स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखिए, अब मैं 1, 2, 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद देखिए, ये जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट चेन में, पहली चेन में तो हमारे ये 3 की चेन का एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया और सेम चेन में 1 और डबल क्रोशिया यहाँ पर करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ठीक है। अब हमने हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। हर सेकंड चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 और ये 2। ये देखिए, ठीक है जी। अब हमने हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो चलिए इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ ये रो कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड, मैं रो के एंड में पहुँच गई हूँ। अब हमने ये कुछ इस तरह से करना है। ये देखिए, ये हमारी 3 की चेन है। ये इसके ऊपर हमने स्टिच नहीं करना है। यह जैसे हम यहाँ पे ये इस तरह से स्लिप स्टिच करते हैं, वैसे हमने स्लिप स्टिच यहाँ पर नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पे नहीं करेंगे। ये जो हमारे पहला डबल क्रोशिया है, ये देखो, ये वाला जो हमारे 3 की चेन है, उसके जो ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, ये वाला, उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर नहीं करना है। 3 की चेन के ऊपर जो हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया है, उसका जो ये पहला वाला डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद हमने 1 चेन ले ली। 1 चेन लेने के बाद लूप धागा लेंगे। धागा लेने के बाद ये तो 3 की चेन है, इसको हमने उठाना है फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट कैसे उठाते हैं? ये 3 की चेन है, क्रोशिया को इस तरह से नीचे से लेके जाके धागे को लेंगे और एक ये फ्रंट पोस्ट हमने कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन करेंगे। नेक्स्ट चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं सिंगल चेन में। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। ये जो हमारा सिंगल 1 डबल क्रोशिया है, 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया है, उसको हमने फ्रंट पोस्ट उठाना है। और जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं सिंगल चेन में, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया आएगा और जो दूसरे वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया आएंगे। तो टोटल हमारे पास 2 के ऊपर 3 हो गए, ठीक है जी। 1 डबल क्रोशिया और दूसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट, 1 डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, ठीक है जी। फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये घेरे को कंप्लीट करना है। तो चलिए घेरा कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं रो के एंड में पहुँच गई हूँ। ये मैंने रो कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखिए, ये जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट था, जो हमने 3 की चेन के ऊपर जो फ्रंट पोस्ट किया था, उसका जो ये पहला डबल क्रोशिया है, उसके साथ में जो ये पहला डबल क्रोशिया है, उसकी चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर मैं 1 चेन लूँगी। 1 चेन लेने के बाद ये जो 3 की चेन के ऊपर जो हमने फ्रंट पोस्ट किया था, उसका हम फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट ही उठाएँगे। ये देखिए, एक फ्रंट पोस्ट यहाँ पे हमारा हो गया है, ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट चेन के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे करना है।
1 2 3 4 एक डबल क्वेश्चन नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट में एक डबल क्वेश्चन, और जो हमारे पास लास्ट पर ये डबल क्वेश्चन बचा है उसके ऊपर 2 डबल क्वेश्चन सिंगल चेन में। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्वेश्चन हो गए, 3 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 3 थे, 3 के ऊपर 4 हो गए। फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, ये देखिए 1 डबल क्वेश्चन नेक्स्ट चेन में, उसके नेक्स्ट में 1 डबल क्वेश्चन, और जो तीसरे वाला है लास्ट वाला उसके ऊपर 2 डबल क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है जी, अब हमने फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट ही उठाना है, उसके बाद जो हर तीसरी चेन आएगी ये वाली फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे, जो हर तीसरी चेन आएगी ये वाली जो लास्ट वाली चेन इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं सिंगल चेन में। ठीक है जी, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ ये रो कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये रो के एंड में पहुँच गई हूँ। अब हमने क्या करना है, देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमने ये जो एक डबल क्रोशिया हमने किया है, ये जो फ्रंट पोस्ट हमने किया है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो हमारी ये चेन होती है ये वाली, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच नहीं करना है। जो नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट के ऊपर हमने एक स्लिप स्टिच करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इस रो को इस तरह से कंप्लीट करना है। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हमने एक चेन लेनी है और इस धागे को हम इस तरह से ये इसमें से ये हम नोट लगा देंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से नोट लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको नोट लगा दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट कलर का धागा लूँगी, आप चाहे कोई भी कलर भी ऐड कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है, पहले हमने यहाँ पे जहाँ मैंने ये किया था ये 1 2 3 4 5, ये देखिए पहले हमने एक और राउंड इसका कंप्लीट करना है पिंक वाली का। ये 5 हमने ले लिए हैं, 5 चेन लेने के बाद ठीक है जी, एक हमने धागा लिया, एक हमने चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 5 चेन लेने के बाद एक चेन लेनी है, एक चेन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया करना है, एक हमने चेन को स्किप करना है, फिर हमने 1 2 चेन लेंगे। देखिए 5 चेन ले ली, धागा लिया और यहाँ पे नेक्स्ट एक स्किप करके हमने 1 डबल क्रोशिया कर दिया, फिर हमने 2 चेन ले ली, 2 चेन लेने के बाद एक हमने स्किप करना है, नेक्स्ट में हमने 1 डबल क्रोशिया करना है, 2 चेन एक स्किप, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर हमने 2 चेन एक स्किप करना है, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन एक हमने छोड़ देना है और नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है, पहले हमने 5 चेन ली, फिर हमने एक स्किप किया, उसके बाद 1 डबल क्रोशिया किया, फिर हमने 2 चेन ली, उसके बाद एक स्किप किया, फिर 1 डबल क्रोशिया किया। ठीक है जी, इसी तरह से आप इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस घेरे को ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है, अब मैंने लास्ट में 2 चेन ली है, 1 डबल क्रोशिया किया। अब हमने 1 2 3 तीसरी चेन में मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, ये देखिए कुछ इस तरह से ये राउंड हमारा बन के आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी और ये यहाँ पे इस धागे को मैं यहाँ पे नोट लगा दूँगी। अब हमने यहाँ पे नोट लगानी है राउंड को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है जी, ये देखिए, पर मैंने इस धागे को कट नहीं करना है हमने। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस जो हमारा ये बॉक्स है ये वाला, इसके ऊपर हमने इसको वर्क करना है। मैं यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ, आप चाहें कोई भी कलर ले सकती हैं। अब मैं
पहले नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद यहाँ पे धागे को अटैच करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे धागे को अटैच कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और दो, ये देखिए तीन चेन होगी हमारी, ठीक है। तीन चेन होने के बाद यहीं पे मैं एक और डबल क्रोशिया करूंगी, एक चेन, फिर सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए टोटल हमारे यहाँ पे चार की कली बन गई, ठीक है जी। अब हमने चार की कली बनाने के बाद हमने एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः चेन बनानी है। छः चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारी पहली तीन की चेन है, ये वाली, इसकी जो पहले चेन है, ये तीसरी चेन, इसके अंदर क्रोशिया हुक को ले जाकर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से आपका ये लूप बन के आ जाएगा। अब हमने वर्क को टर्न करना है। ये देखिए एक चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद हमने इस स्पेस में वर्क करना है। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। ये देखिए मैंने नौ बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपके ये हमारे पास बनके ये पेटल आ जाएगा, ये वी शेप में। इसी तरह से आपको बनाना है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये बॉक्स है, ये वाला पहले वाला, पहले के ऊपर तो हमने ये किया, जो सेकंड बॉक्स है इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं करना है, ये हमने स्किप करना है। और उसके नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, फिर हमने एक चेन, सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे चार की कली बन गई, ठीक है जी। चार की कली बनने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन मैंने ऊपर ली, वर्क को टर्न किया। अब देखिए फ्रेंड, जहाँ पे हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरफ से देखिए, ये देखिए जहाँ पे हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, उसकी जो चेन है, ये वाली जो चेन है, ये वाली, ये देखिए पहली डबल क्रोशिया की, मैं इधर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, इसके ऊपर हमने इसे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसी तरह से आपका ये सी बन के हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। हमने एक चेन लेनी है, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे एक हमने सिंगल क्रोशिया करना है, नाइन नाइन बार हमने सिंगल क्रोशिया करने हैं यहाँ पे। ये दो हो गए, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। ये देखिए नौ बार हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका ये पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये सारे पैटर्न को बनाना है, इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लॉक किया था, इधर इसको इधर लेके आई थी छः चेन बनाकर, वहीं पे मैंने यहाँ पे स्लिप से इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब हम एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद उसके बाद हमने धागे को खींच देना है। खींचने के बाद मैं इसे निकाल दूँगी और धागे को नोट लगा दूँगी यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम ये पिंक वाले के धागे को लेंगे। ये देखिए मैंने इसको कट नहीं किया था, यहाँ पे इसको मैंने कट नहीं किया था। अब हमने क्या करना है, इसको हम इस तरह से नीचे लेके, ये जो हमने चार की कली बनाई थी, ये जो हमने चेन, ये देखिए ये हमने जो चार की कली बनाई थी, ये जो हमने स्पेस ली थी एक की चेन की, अब हमने इसके ऊपर वर्क करना है। इसको हम इस तरह से नीचे को ले जाएंगे और इसके अंदर हम वर्क करेंगे। एक चेन लेंगे, ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया धागे को। अब हमने एक दो तीन, ये तीन चेन लेने के बाद अब हमने यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया, ठीक है जी, ये दो डबल क्रोशिया हमारे अपने यहाँ पे काउंट हो गए। उसके बाद एक, ये दो, दो चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशिया,
एक और डबल क्रोशिया, ये देखिए चार की कली हमने बना ली। बट हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो चेन बनाई है, पहले हमने एक चेन बनाई थी उसके बाद हमने दो चेन बनाई है। उसके बाद हमने फ्रेंड्स यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाएंगे। छः चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। पहली वाली चेन में हमने पहले वाले जो तीन की चेन है उसके ऊपर हमने ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद हमने एक जो एक सिंगल क्रोशिया, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये देखिए ये नौ हमने सिंगल क्रोशिया इस चेन या छः चेन जो हमने बनाई थी इसके ऊपर बना दिए हैं। अब हमने ये देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क हमारा आएगा, ये देखिए इसी तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट में ये जो नेक्स्ट है हमारा इसके ऊपर ये जो चेन है हमारी चार की कली के बीच में जो हमने चेन ली थी वहीं पे हमने सीधा क्रोशिया ले जाना है। एक डबल क्रोशिया करेंगे उसके अंदर, ये दूसरा, फिर दो चेन, ये तीसरा और ये फोर्थ वाला। ये देखिए चार डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर दिए, उसके एक दो तीन चार पाँच छ, छः चेन। वर्क को टर्न करेंगे, पहले वाले चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच करना है एक चेन। वर्क को टर्न करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, ये दो, ये तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, ये देखिए नाइन मैंने सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे यहाँ पे चार की कली बनाएंगे, एक दो, दो चेन, एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, ये देखिए ठीक है जी। अब हमने एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः चेन बना ली। वर्क को टर्न किया, पहले वाले डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच करना है एक चेन लेंगे। वर्क को टर्न करेंगे, फिर हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, ये दो, ये तीन, ये चार पाँच छ सात आठ ये नौ, ये नौ हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए हैं। देखिए फ्रेंड इस रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, ये सारे पेटल के ऊपर हमने इसी तरह से पेटल बनाने हैं। तो चलिए ये सारे पेटल बना के रेडी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने मैं राउंड के एंड में पहुँच गई हूँ। अब हमने क्या करना है, ये देखिए जहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे ये छः की चेन को हमने अटैच किया था वहीं पर मैं यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं एक चेन लूँगी, अब ये धागे को हम इसमें नोट लगा देंगे, देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए मैंने नोट लगा दी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये पीला रंग का धागा है अब मैं इसे लूँगी। अब हमने वैसे ही इसे करना है जैसे हमने पहले किया था, ये चार की कली जो हमने बनाई थी, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, उसके अंदर दो चेन के अंदर हमने इस वर्क को अगेन करना है। एक दो तीन चेन लूँगी, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, ये एक की एक हमारे तीन की चेन, एक डबल क्रोशिया, एक दो दो चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया। ये देखिए चार की कली बन गई, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः चेन बनाई हमने। छः चेन बनाने के बाद अब हमने तीसरी चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है, चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया, दो तीन चार और ये पाँच, ये देखिए पाँच मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दिए हैं। उसके बाद हमने एक दो तीन चार, ये चार चेन लेनी है। हमने इस तरह से
एक छोटा सा हमने ये पर्ल्स लूप बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पर्ल्स लूप बना दिया। ये देखिए एक छोटी सी मैंने यहाँ पे कली बनाई है। यहाँ पे ये कैसे बनाई मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये देखिए पहले मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे किया, उसके ऊपर हमने एक दो तीन और ये चार चेन ली। चार चेन लेने के बाद मैंने ये वाला जो पहले वाली चेन है और ये जो हमारा ये वाला है इसके अंदर मैंने ले जाकर एक यहाँ पे सिंगल क्रोशा कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा, ये दो, ये तीन, चार, पांच, ये देखिए पांच हमने सिंगल क्रोशा कर दिए। पांच इधर किए, पांच इधर किए, पहले हमने नाइन किए थे, अब हमने दस करने हैं। पांच इधर और एक हमारा ये लूप, ठीक है जी, छोटा सा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चेन, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, ठीक है जी। एक दो तीन चार पाँच छ, छ चेन, एक सिंगल क्रोशिया ले लिया, एक चेन ले ली हमने, सॉरी एक सिंगल क्रोशिया, ये दो तीन चार और ये पांच। ये देखिए पांच चेन, पांच सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक दो तीन चार, ये चार, चार हो गए। चार करने के बाद हमने यहाँ से ये दो उठाने हैं और एक हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देना है, ठीक है जी। हमने एक दो तीन चार और ये पांच, ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा ये पेटल बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये ड्रेस ऐसे लगेगी आपकी। तो चलिए ये ड्रेस कंप्लीट की, ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये रो कंप्लीट हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस। अब हमने इसे ये जो जहाँ पे मैंने छः की चेन को स्टिच किया था स्लिप स्टिच से, वहीं पर मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। कुछ इस तरह से दो चेन लूँगी और धागे को कट कर दूँगी। ये देखिए मैं नोट लगा दी। अब जो हमारे पास ये पिंक कलर का धागा है ये वाला, इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ड्रेस बन के हमारी रेडी है। ये देखिए इस पेटल को आप इस तरह से पिंक वाले को इस तरह से ऊपर को खींच दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये ड्रेस आपकी बन के रेडी है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बॉर्डरिंग भी कर दी है। ये देखिए मैंने आर्म्स पे और नेक पे मैंने ये बॉर्डरिंग कर दी है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने ये ड्रेस को बनाया है। देखिए कितनी अच्छी ये ड्रेस लग रही है। अगर किसी को ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर कहें। और कान्हा जी दरबार की तरफ से आप सभी को राधे राधे।